नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 13 सितंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। देश भर में गैंगस्टरों पर शिकंजा, 7 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आतंकी गतिविधियों की तलाशी ले रही है एनआईए। अगली अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। जहाँ पाकिस्तान के शहरों में बाढ़ का पानी हटने में लग सकते हैं 6 महीने, 5 करोड़ लोग बेघर। भगवान के देवी देवताओं की मूर्ति पर जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पहुंच कर जान बचाने को मजबूर। तीसरी बड़ी अपडेट, यूक्रेनी सेना ने रूस का बड़ा नुकसान कर खारगिव से खदेड़ा, हथियारों को भी कर दिया तबाह। चौथी बड़ी अपडेट, भारत ने UNHRC में उठाया तमिल का मुद्दा, कहा श्रीलंका में मानवाधिकारों का हो रहा हनन। वहीं अगली खबर निकल के आई है, जहां UAE के लोगों को मिला नया मंदिर, 14 देवी देवताओं के होंगे दर्शन। तो एक एक करके विस्तार से, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के 200 दिन पूरे, मारे गए 5700 ज़्यादा आम नागरिक, मानवाधिकारों के भी उड़ी धज्जियां। इस बीच जम्मू खास करके काशी में एक तरीके से बड़ी कोर्ट का बड़ा फैसला, जल्द ही आज़ाद होने वाला है ज्ञानवापी मुस्लिम पक्षों को लगा करारा झटका। तो वे करके विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। 210 साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, देश भर के गैंगस्टरों पर शिकंजा, 7 ठिकानों पर आना ये किताब और तोड़ छापेमारे, बदमाशों पर है नज़र। 210 साल संगठित आतंकी समूह और गैंगस्टरों पर लगाम कसने के लिए NIA सक्रिय हो गई है। एजेंसी ने उत्तर भारत में करीब 7 ठिकानों पर छापेमारी की और नार्को टेररिज्म, हथियार तस्करी और गैंगवार पर लगाम कसने के लिए कार्रवाई की गई है। NIA के सूत्रों ने बताया है कि अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। एजेंसी को अंदेशा है कि एक साजिश के तहत अवैध गतिविधि को संचालित किया जा रहा है। एजेंसी ने उत्तर भारत की 60 जगहों पर छापेमारी की है। एजेंसी का कहना है कि कुछ टॉप गैंग्स को रडार पर लिया गया है, जो भारत में ही ऑपरेट हो रहे हैं, या फिर उनके गुर्गे विदेश से आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में हरियाणा और पंजाब के पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर NIA ने बैठक की और NIA ने दिल्ली NCR, हरियाणा के साथ साथ पंजाब, राजस्थान और वेस्ट UP के कई ठिकानों पर छापेमारी ताबड़तोड़ की है। एक और अपडेट, असम में आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई जारी है, BT के 2 संदिग्ध आतंकवादी हुए गिरफ्तार। असम में आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई जारी है, सोमवार पुलिस ने 2 और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी मोरीगांव से हुई और पुलिस अधीक्षक अर्पणा एन ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकियों की पहचान मुसादिक हुसैन और एक रामुल इस्लाम के रूप में हुई है। दोनों के आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी ABT से संबंध होने के सबूत मिले हैं। असम में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद यहां आतंकियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। बीते कुछ दिनों में कई आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, सभी के ABT और अलकायदा से संबंध सामने आए हैं। इसके अलावा इन सभी आतंकवादियों को क्षेत्रीय मदरसों से भी लिंक मिला है। एक और अपडेट निकल के आई है, तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है, जहां यूक्रेनी सेना ने रूस का बड़ा नुकसान कर खारगिव से खदेड़ दिया, हथियारों को भी कर रहे हैं तबाह। दरअसल रूस ने पिछले दिनों यूक्रेन के खारगिव से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद ही यूक्रेनी सेना आक्रामक है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यही नहीं, कुछ तस्वीरों में ये भी सामने आया है कि यूक्रेन की सेना ने रूसी डिफेंस लाइन को बड़ा नुकसान पहुँचाया। अपुष्ट खबरों में कहा गया है कि यूक्रेन की सेना ने वेली की वुरकुल पर कब्जा जमा लिया है। ये कब्जा खारगिव से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो यूक्रेन की रूस की सीमा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने चाकालोस्क कस्बे को भी रूसी मिलिट्री के कब्जे से वापस ले लिया है। इसके अलावा रणनीतिक रूप से अहम प्रांत MGMP नजरें हैं। अगली एक और अपडेट, भारत ने UNHRC में उठाया तमिल का मुद्दा, कहा श्रीलंका में मानवाधिकारों का हो रहा है हनन। भारत ने सोमवार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UN में तमिल का मुद्दा उठाया। भारत ने कहा श्रीलंका में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। UNHRC की बैठक में भारत ने श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों के मानवाधिकारों पर चिंता व्यक्त की है। भारत ने कहा है कि फिलहाल श्रीलंका में तमिल मुद्दों को लेकर जिस तरीके से समाधान पर कोई प्रगति नहीं देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इस बीच जो चिंता का विषय है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 91वें सत्र में OHCRC की रिपोर्ट श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के विषय पर आयोजित एक संवाद में कहा, चिंता का विषय है कि श्रीलंका खुद अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रहा है और अभी तक उसने
तमिल मुद्दे के समाधान को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूएई के लोगों को मिला नया मंदिर, 14 देवी देवताओं के होंगे दर्शन, खासियत भी समझ लीजिए। संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अच्छी खबर है, यहाँ पर बन रहे हिंदू मंदिरों के पहले झलक सबको देखने को मिल रही। हालांकि मंदिर का उद्घाटन अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ, मंदिर को कुछ दिन पहले आंशिक रूप से शुरू किया गया था। अक्टूबर में मंदिर का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। इस मंदिर में सभी धर्मों के मानने वाले जा सकते हैं, पूजा करने वाले पुजारियों के अलावा मंदिर के अंदर दर्शन करने वाले भी जा सकते हैं। इस भव्य मंदिर में 14 देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। मंदिर में इन सभी देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा विशेष 9 दिवसीय कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। अगस्त के आखिरी में यहां पर सिखों के पवित्र धर्म गुरु ग्रंथ साहिब को भी स्थापित किया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष, जी हाँ आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जीत हुई है और मुस्लिम पक्ष तिल मिलाया हुआ है ज्ञान वापी केस मामले में। यूपी के वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद श्रृंगार गौरी परिसर में पूजा अर्चना की अनुमति देने से जुड़े केस की सुनवाई को लेकर जिला कोर्ट ने सोमवार को अहम निर्णय लिया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के योग्य माना। इस निर्णय को हिंदू पक्ष में माना जा रहा है, हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकील ने नाराजगी जताई। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और आदेश को चुनौती देंगे। उनने ये भी कहा है कि सब लोग बिक गए हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील मिराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि ये फैसला न्यायोचित नहीं है, हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जज साहब के ऑर्डर ने संसद के कानून को दरकिनार कर दिया, हमारे लिए ऊपरी अदालत के दरवाजे खुले हैं। सिद्दीकी ने आगे कहा है कि न्यायपालिका आपकी है, आप संसद के नियमों को नहीं मानेंगे तो हम क्या कह सकते हैं और क्या कहें। इस तरीके से उन्होंने एक बड़ा हमला बोला है और एक तरीके से तिल मिलाए हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी तिल मिलाया हुआ है, उसने कहा कि बाबरी मस्जिद के रास्ते पर चल रहा है ज्ञानवापी केस, वर्शिप एक्ट का मकसद फेल हो चुका है। कोर्ट ऑर्डर पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान निकल के आया है, उन्होंने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस तरीके के फैसले से 1991 के वर्शिप एक्ट का मतलब ही खत्म हो जाता है। वैसी बोले, ज्ञानवापी मस्जिद का केस बाबरी मस्जिद के रास्ते पर जाता दिख रहा है और ऐसे में 80 और 90 के दशक से जो है वो पूरा मामला चल जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, विग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां मुस्लिम पक्ष बोला ज्ञान वापिस श्रृंगार गौरी फैसला संसद में पारित कानून को अनदेखी, हाईकोर्ट का ये बड़ा बयान। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों आपको बता दें, जहां योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू, 35 दिनों में जमींदेज हो गया मदरसा। यूपी में अवैध बिल्डिंग पर योगी सरकार बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। अमेठी में 4 साल में सुल्तानपुर रायबरेली राजमार्ग किनारे गुंजर कुटोला के गांव के पास चारागाह की बेस कीमती जमीन पर बने मदरसों को तहसीलदार कोर्ट से बेदखली के बाद सोमवार को सुबह बुलडोजर से ढहा दिया गया। 4 कमरों के मदरसे को पुलिस PAC के साथ पहुँचे प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरीके से ढहा दिया। गुजेर टोला ग्राम पंचायत अंतर्गत सुल्तानपुर रायबरेली राजमार्ग के बाई तरफ चारगाह की विश्वेश कीमती जमीन पर गांव निवासी हसन पुत्र सुल्तान ने निर्णय कार्य कराकर कर रखा था। 4 कमरों और बरामदे के इस भवन में 2 साल पहले तक मदरसा चल रहा था। भूखंड से थोड़ी दूर तक एक सरकारी हैंडपम्प भी लगा रखा था। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, ऑटो में सवार हुए केजरीवाल पुलिस के रोकने पर भड़के, वीडियो भी देख लीजिए। दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे के दौरान वे एक ऑटो में सवार हो गए, लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों ने उनकी ऑटो को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से बिफर गए, पुलिसकर्मियों पर भड़के अरविंद केजरीवाल का वीडियो सामने आया। वीडियो में नज़र आ रहा है कि केजरीवाल और कुछ अन्य नेता एक ऑटो में सवार हैं, लेकिन पुलिसकर्मी इस ऑटो को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इस पर नाराज केजरीवाल कहते हैं, आज गुजरात की जनता इसीलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में जाते नहीं हैं और जनता पूरी तरीके से अब इन लोगों के खिलाफ है और यही कारण है कि हमलावर दिखे केजरीवाल। लेकिन सबसे बड़ी बात, केजरीवाल का ढोंग भी दिखा, पुलिस प्रशासन ने सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर जो है इस पूरे मामले में एक सुरक्षा, एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन केजरीवाल दिखावे के लिए दिल्ली अगर कुछ भी हो जाए केजरीवाल को तो ये होगा कि गुजरात में केजरीवाल गए थे और वहाँ जो है BJP की सरकार ने सुरक्षा नहीं दिया, जबकि केजरीवाल को जो है सुरक्षा ही दी जा रही थी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, तालिबानी नेताओं की याद पर US ने लगाया बैन,
दरअसल आपको बता दें, अमेरिका ने आखिरकार तालिबानी नेताओं की विदेश यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। इसकी वजह सामने आ गई है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि अमेरिका काबुल में अलकायदा प्रमुख आयमान अल जवाहरी की मौजूदगी को लेकर गुस्सा था। 2011 से ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद जवाहरी अलकायदा की कमान संभाल रहा था। 1 अगस्त को काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में वो मारा गया। उसने मध्य काबुल में तालिबान के डिप्टी लीडर और इंटीरियर मिनिस्ट्री सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में पनाह ले रखी थी। गौरतलब है कि जून महीने में मध्य वरीयता वाले 2 तालिबान नेताओं को प्रतिबंध से छूट नहीं मिली थी। तब भारत के नेतृत्व में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ वोट दिया था और यह फैसला तालिबान द्वारा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा में नाकाम रहने पर उठाया गया था। मामले के संबंध में जानकारी रखने वाले व्यक्ति के मुताबिक पिछले महीने सैंक्शन कमेटी के सामने 13 अन्य नेताओं की लिस्ट सामने आई थी जो प्रतिबंधों से एक तरीके से छूट पे थे। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अब उखड़ने लगे हैं देशद्रोहियों के पैर। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है बड़ा खेल। दिल्ली में बीजेपी एक तरीके से बड़े करतब की तैयारी में, यानी बड़े कारनामे की तैयारी आपको देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जिस तरीके से क्लेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, अब वहां मुस्लिम लीडरों को भी अपने साथ लाने की, खास करके बकरवाल समुदाय को ये चीज़ें कही जा रही हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, जीत के बाद जब 22 सितंबर को सुनवाएं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां हिंदू पक्ष ने किया बड़ा ऐलान, कहा अब अयोध्या तो झांकी थी, काशी और मथुरा पूरी बाकी है और अब जल्द ही इस पर भी पूरा फैसला होगा। दरअसल आपको बता दें, जिस तरीके से अयोध्या, काशी, झांकी और मथुरा पूरी बाकी के नारे लगाए, अब वो धीरे धीरे धरातल पर भी जाते दिखाई दे रहे हैं और वो सारे सब कुछ सच होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, ताज़ा मामला निकल के आया है जहाँ कल जो कोर्ट का फैसला आया है और इसी कोर्ट के फैसले के बाद अब राह जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से शिव ही सत्य हैं और सत्य ही शिव हैं का नारा जो है वो दिखने लगा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां गिरिराज सिंह बोले बिहार के थानों में हो रही पुलिसकर्मियों की पिटाई और सीएम कह रहे हैं यहां जनता राज है, और उसने कहा है कि बिहार में भी मदरसों की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, देश भर में मदरसों से निकल रहे आतंकियों के बाद अब जहां यूपी में मदरसों की जांच के आदेश दे दिए गए, तो बिहार में भी गिरिराज सिंह ने जो है नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए बिहार में भी मदरसों की जाँच की मांग उठाई। उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार पुलिसकर्मी पीटे जा रहे हैं, बिहार में हालात बेहद बद से बदतर कर दिए गए हैं, बिहार की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कुछ की माँ पूछिए मत, और यही कारण है कि हालात ख़राब होते देख भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से सीधा सीधा नीतीश चचा पे हमला बोला है और कहा नीतीश चचा अब आपसे ना हो पाएगा, सत्ता संभाल नहीं पाएंगे। एक और अपडेट पाकिस्तान का, हमारे यहाँ तो खाने की भी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने तुर्की से की मदद की गुहार। बाढ़ के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में खाने तक की किल्लत हो गई है। सिंधु बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा जैसे प्रांतों का बड़ा हिस्सा बाढ़ के चलते डूब गया है और पानी निकलने से 3 से 6 महीने लग सकते हैं। ऐसे में खाने की किल्लत और होगी और लगातार खाने की किल्लत बनी भी हुई है। यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब तुर्की से मदद मांगी है। तुर्की से मदद मांगते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये चीज़ें जो खाने के लिए परेशानी हो रही है, कृपया खाने के लिए परेशानी ना हो। उन्होंने इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति को मदद के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा आपके चलते हम खाद्यान्न संकट से उबर पा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि तुर्की ने खाना एक तरीके से मेडिसिन 12 मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजी गई थी। इसके अलावा 4 ट्रेनों और ट्रकों के जरिए भी सामान भेजा गया है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने कहा है कि बाढ़ की वजह से पूरे पाकिस्तान में 3.6 मिलियन एकड़ की जो बोई फसल थी वो ख़राब हो चुकी है। एक और अपडेट, मूसेवाला हत्याकांड का केन्या और अजरबैजान से निकला लिंक विदेश मंत्रालय अलर्ट मोड पे। दरअसल चंद महीने पहले हुए विजयी पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के एक तार जो है वो केन्या और अजरबैजान से जुड़ रहे हैं। जो कत्ल पंजाब में अंजाम में दिया गया है उसको भला केन्या और अजरबैजान से क्या लेना देना। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी भारतीय जांच एजेंसी पंजाब पुलिस है।
कहा तो ये भी जा रहा है कि इस सिलसिले में दो संदिग्धों को भी दबोच लिया गया है। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। दोस्तों एक और अपडेट बताई देते हैं आपको, रूस यूक्रेन युद्ध के 200 दिन पूरे हो गए हैं, मर गए 5700 ज़्यादा आम नागरिक, मानवाधिकारों की उड़ी धज्जियाँ। तो दोस्तों आपको बता दें यूक्रेन पर रूस के हमले को 200 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन यूक्रेन में घुटने नहीं टेके हैं। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब रूस